अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठे राइस, और इसे देगी मदंजन भी कहते हैं। अगर आप लोग इस तरह से बनाना चाहते हैं कि आपका भी राइस खिले खिले बने, तो आप लोग मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और देखिए, मैंने पानी लिया था और 1/2 kg मैंने राइस लिए थे और उसे मैंने धो के भिगो दिए थे, और उसके बाद मैंने इसे बॉईल किया है और तकरीबन हाफ रह गया था, 1/2 करनी, तो मैंने इसे पानी को रिमूव कर दिया था फ्रेंड्स। और मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप, और इसमें मैंने 3 अदद लौंग ऐड की है और इलायची ऐड की है ग्रीन फ्रेंड्स। इसमें मैंने कोकोनट ऐड किया था और साथ ही मैंने इसमें आलमंड ऐड कर दिए थे। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब मैंने इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड किया, 1/2 कप ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और तकरीबन मैंने 400 ग्राम इसमें शुगर ऐड की है और 1/2 kg राइस में। और मैंने इसको तो चीनी हमारी मेल्ट हो गई थी फ्रेंड्स, मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, और बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसमें जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी वो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मैं इसे तकरीबन 10 मिनट का दम दूंगी ताकि इसका अंदर का पानी जो है अच्छे से रिमूव हो जाए, ड्राई हो जाए। और 10 मिनट हो चुके थे फ्रेंड्स। अब इसमें मैं कलर ऐड करूँगी, 2 कलर मैंने इसमें ऐड किए हैं, ग्रीन एंड पिंक कलर मैंने इसमें ऐड किया है फ्रेंड्स। और साथ ही मैं इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करूंगी, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैंने 2 बार इसको दम इसलिए दिया है क्योंकि अब जो मैंने कलर ऐड किया है इसमें, जो जहां आप कलर डालोगे वहीं रुकेगा और आपके राइस खिले खिले बनेंगे। तो 5 मिनट का मैंने इसे और दम दिया था फ्रेंड्स। देखें, माशाल्लाह से अमेजिंग लुक है और खिले खिले राइस बने हैं, देख सकते हैं आप। वाओ, आई होप आप लोगों को मेरे ये मीठे राइस पसंद आए हों मेरे स्टाइल में। और अगर पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।